जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। मैं ऑडिबल हूं और आपको प्रॉपरली दिखाई दे रहा है या नहीं ये बता दो जल्दी से और फिर हम करते हैं स्टार्ट। जय हिंद हर्षिता, जय हिंद अर्जुन, निशांत, एकदम प्रॉपर आवाज आ रही है, प्रॉपर दिखाई दे रहा है क्या, जल्दी जल्दी बताओ। जय हिंद सविता, इसी बात पे सब लोग शेयर करके आएंगे फटाफट। क्या दिक्कत हो गई निशांत? जय हिंद वैष्णवी, जय हिंद वरुण, जल्दी जल्दी आ जाओ यार, शेयर कर देना और एक बार, क्योंकि अब हमारे पास बस 3 दिन ही हैं पढ़ने के लिए और ये हमारी सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होगी क्योंकि करंट का पूरा 6 महीने का रिवीजन करना है हमको। जय हिंद तेजू, जय हिंद, जय हिंद। चलो पहला हमारा जो सेक्शन होगा ये है स्पोर्ट्स सेक्शन। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा मुझे ये बता दो, क्वेश्चन दिखाई आ रहा है कि नहीं? चलो आ जाओ। क्वेश्चन है पहला दैट जो 44th चेस ओलंपियाड होने वाला है उससे रिलेटेड, तो ऑप्शंस क्या क्या है हमारे, देखो द 44th चेस ओलंपियाड वाज आल्सो नोन एज चेन्नई चेस ओलंपियाड, इसको और क्या बोला जाएगा? मोहित शर्मा, चलो इसको चेन्नई ओलंपियाड भी बोला जा रहा है और इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑल इंडिया चेस फेडरेशन एंड फेडरेशन इंटरनेशनल डेस चेस। क्या होगा आंसर बताओ, दोनों सही है क्या ऑप्शंस? दोनों ऑप्शन सही है क्या? बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो 44th चेस ओलंपियाड हो रहा है इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है चेन्नई में। इनफैक्ट आपको पता होगा कि चेन्नई ने जो अपने बस स्टॉप्स थे, एयरपोर्ट थे, वहां पर कलरिंग भी चेस वाली कराई है, ब्लैक और व्हाइट वाली। ठीक है, अगर स्क्रीन देखने में जरा भी प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना, क्योंकि यहाँ पर कलर कुछ और दिखता है, आपके फोन में कुछ और दिखता है। ठीक है, जय हिंद दक्ष, एंड द मैस्कट वॉज थाम्बी, वेरी गुड। मैस्कट क्या है इसका? मैस्कट था थाम्बी। ठीक है, चलो डन। ओके, सो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा सी। आज हम थोड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे तुम्हारे सारे जो डाउट्स हैं एकदम सब क्लियर हो जाए। चलो नेक्स्ट देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं उनसे रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स हैं। सो भाई कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो बर्मिंघम में हुए हैं 28 जुलाई से 8 अगस्त तक। ठीक है, एंड दिस वाज द 22nd एडिशन। इसके बाद सब कुछ है निशांत, इसमें सब करने वाले हैं। देन आफ्टर इसका मोटो अगर हम बात करें क्या था, स्पोर्ट इज जस्ट द बिगनिंग व्हाइल पेरी वाज द ऑफिशियल मैस्कट ऑफ द गेम एंड इंडिया एंडेड इट्स कैंपेन एट द कॉमनवेल्थ गेम्स विद द 4th पोजीशन। बोला जा रहा है कि कॉमनवेल्थ जो है कहाँ ऑर्गेनाइज किए गए, तो भाई ये बर्मिंघम इंग्लैंड में, हमें बहुत अच्छे से ये चीज याद है। कौन सा एडिशन था? 22nd एडिशन था, ये भी हमें याद है। इसके बाद मोटो जो था, स्पोर्ट इज जस्ट द बिगनिंग, ये याद रखना, और मैस्कट था पेरी,
और इंडिया को कौन सी पोजीशन मिली है कॉमनवेल्थ में, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इंडिया की पोजीशन वॉज फोर्थ, और कितने मेडल मिले थे इंडिया को जल्दी बताओ, 61 मेडल्स मिले हैं, है ना, ठीक है, जिसमें से गोल्ड कितने हैं, सिल्वर कितने हैं, ये भी बताओ। गोल्ड 22 है, ठीक है, सिल्वर कितने हैं, सिल्वर जय हिंद अबीर और अंकित दोनों हैं, 22 गोल्ड हैं, 23 सिल्वर हैं और 16 ब्रोंज हैं, वेरी गुड। ठीक है भैया, गुड, जय हिंद। चलो ये पीडीएफ तुमको दे दूंगी, एक्चुअल में यहाँ नहीं रहा था तो मैंने उसको डाल दिया, तुम देख लेना, ठीक है। तो ये गोल्ड वाले जितने भी है ना उनके नाम लिखे हुए हैं, सो ये तुम देख लेना, मैंने सारे डाल दिए हैं। और अगर आपसे ये पूछ लिया कॉमनवेल्थ में इंडिया की रैंक तो फोर्थ है, टॉप किस कंट्री ने किया है, सो विच कंट्री हैज टॉप द कॉमनवेल्थ, तो आंसर है बच्चों ऑस्ट्रेलिया। क्या है आंसर, ऑस्ट्रेलिया, टोटल 178 मेडल्स यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को मिले हैं। फिर है इंग्लैंड 175, फिर है कनाडा 92 और फिर है इंडिया 61। कुछ लोगों को यहाँ ऊपर कहीं न्यूजीलैंड याद था, तो याद रखना न्यूजीलैंड नहीं है, ठीक है। यार मीमांसा नहीं आई क्या तेजू, चलो आगे बढ़ते हैं। लॉस एंजलिस, टोरंटो एंड मैक्सिको सिटी हैव बीन नेम्ड अमंग द होस्ट सिटीज फॉर, ये तीन सिटीज हैं, लॉस एंजलिस है, टोरंटो है और मैक्सिको है, किस गेम्स जो हैं, कौन से गेम्स को ऑर्गेनाइज, कौन से गेम्स को होस्ट करने वाली हैं ये सिटीज, फीफा वर्ल्ड कप 2026, फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023, फीफा अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। वेरी गुड निशांत, यार ये तुम दो दो तीन तीन बार मत लिखो। मोहित, आंसर इज ए, आंसर क्या है, आंसर है ए, फीफा वर्ल्ड कप 2026। और आपको पता होगा, जय हिंद, आपको पता होगा कि इंडिया को जो फीफा है उससे सस्पेंड कर दिया गया है, एंड इसके अलावा वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट फीफा दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन, ये कब बना है, ये बना है 1904 में, कहाँ बना है, तो ये बना कहाँ, पेरिस में, बट नाउ इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, ज़ुरिक स्विट्जरलैंड में है, ये आपको याद रखना है। लुजाने स्विट्जरलैंड नहीं है निशांत, लुजाने स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है, ये याद रखना, ठीक है, गुड। चल लेट्स मूव फर्दर, नेक्स्ट इज नेम द ट्रेडिशनल गेम विच वॉज इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन खेलो इंडिया यूथ गेम, एंड हियर यू नीड टू राइट एवरीथिंग अबाउट खेलो इंडिया यूथ गेम्स, बिकॉज हमने इसको बहुत बार पढ़ा है, और एक बार मेरे कहने पर, मात्र मेरे कहने पर इस वीडियो को शेयर करके आ जाओ, अपने स्टेटस पे लगा दो और लिख देना कि लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर पार्ट 1, तो जो लोग नहीं आए हैं वो आ जाएं, क्योंकि अब आपके पास 4 तारीख के पहले टाइम नहीं रहेगा करंट अफेयर पढ़ने के लिए,
ना आपके पास उतने सोर्सेज हैं, तो अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो सब तक पहुंचे उस तरीके से करना है, ठीक है? ठीक है ऋषभ, आंसर बताए क्या होगा इसका, जल्दी बताओ आंसर। मोहित, आंसर इज सी, मलखंब। पहली बार ये जो है, हालांकि ये भी ट्रेडिशनल गेम है, पुराने गेम्स हैं, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड थे कहां पर, इन खेलो इंडिया यूथ गेम, पर पहली बार मलखंब को खेलो इंडिया यूथ गेम में इस बार ऐड किया गया है। एंड आपको पता हो सभी मध्य प्रदेश के निवासियों को कि 2013 में मलखंब को एमपी का स्टेट गेम घोषित किया गया है। एंड जो मलखंब एकेडमी है दैट इज इन उज्जैन। अब मुझे बताओ खेलो इंडिया यूथ गेम कहां पर हुए, किसने जीते और इसका मैस्कट क्या था? हरियाणा में हुए थे और हरियाणा ने ही जीता था और इसका जो मैस्कट था दैट वाज धाकड़, ठीक है? और एक और गेम्स थे सिमिलर टू दैट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, वो कहां पर हुए थे? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे बेंगलुरु कर्नाटका में, जिसमें कौन सी यूनिवर्सिटी जीती थी? सो द यूनिवर्सिटी वॉज जैन यूनिवर्सिटी, ठीक है? और अगर आपसे ये पूछ ले बच्चों कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम है इसका एडिशन कौन सा था इस बार का, जल्दी बताओ, डेफिनेटली आ सकता है स्टेटमेंट में आपसे पूछ सकते हैं खेलो इंडिया गेम हरियाणा में हुए, सेकेंड एडिशन था, फोर्थ एडिशन था, वेरी गुड, सो दैट वाज फोर्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। और इसी बात पर मुझे बता दो हु इज द करंट यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जल्दी से बताना। चलो ये आ गया यूनिवर्सिटी वाला क्वेश्चन, अनुराग सिंह ठाकुर, वेरी गुड, ठीक है ठीक है। चलिए क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। सो द जैन यूनिवर्सिटी हैज स्टॉप्ड द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो मैम कितना इजी क्वेश्चन है, कितनी बार पढ़ लिया ये हमने, मतलब गिनती ही नहीं है। करंट अफेयर्स के जब क्वेश्चन देखोगे ना तो एग्जाम में यही लगेगा, अरे यार आया भी तो ये। कहाँ हुए थे? इट वॉज हेल्ड इन बेंगलुरु कर्नाटका, डेफिनेटली इट इज द राइट वन। एंड द थर्ड इज इट्स मैस्कट वॉज वीरा लायन, क्या होगा आंसर? मैस्कट वीरा था कि नहीं था? वीरा था यार, क्यों भाई? गुड गौरव, सी वाला क्यों नहीं होगा सही? ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम बेंगलुरु कर्नाटका में हुए हैं, टॉप किया है जैन यूनिवर्सिटी ने, और इसका जो मैस्कट था वो वीरा तो था, लेकिन द थिंग इज दैट वाज नॉट अ लायन, ये क्या था? ये एलिफेंट था बच्चों, क्या था? एलिफेंट था, ठीक है तेजू, क्या था? एलिफेंट था। ऐसे ही क्वेश्चन तुमको कंफ्यूज करेंगे एग्जाम में, ठीक है? डन, चलो, और स्पोर्ट्स से तो क्वेश्चन आना तय है भैया। नेक्स्ट आ जाओ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी विमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2022। क्या हॉकी वर्ल्ड कप 2022 से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट जो है सही है? पहला, इट वॉज द 15th एडिशन जो हुआ इस बार, ठीक है? नेक्स्ट,
The tournament was organized jointly by Spain and Netherlands. क्या बोल रहे हैं कि ये जो टूर्नामेंट था ये जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया स्पेन एंड नीदरलैंड के द्वारा. एंड तीसरा ये है, हॉकी वर्ल्ड कप इज अ क्वाड्रेनियल वर्ल्ड चैंपियनशिप फॉर विमेन्स नेशनल फील्ड हॉकी टीम. बताओ. अच्छा है निशांत, अब तो तू सीख गया काफी कुछ. क्या होना चाहिए सही आंसर? बी क्यों होगा? सारे होंगे यार. इस तरह सुनो मेरी बात, ध्यान रखना, एग्जाम में हमको ओवर स्मार्ट नहीं बनना. हम ये सोचते हैं कि इनने भले ये ऑप्शन दे दिए ऑल ऑफ द अबव, वो तो हमको कंफ्यूज करने के लिए दिए. नहीं, कई बार सिंपल लॉजिक से भी हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे. जब आपको 50-50 लगे ना कि ए एंड सी और ऑल ऑफ द अबव, जब 50-50 लगे, कोशिश करना आप इसके साथ जाओ. ठीक है? मैक्सिमम टाइम ये दिया ही इसलिए होता है क्योंकि यही आंसर होता है. ठीक है? गुड. स्पेन और नीदरलैंड की कैपिटल बताओ मुझे जल्दी से फटाफट. स्पेन और नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? स्पेन की मैड्रिड है और नीदरलैंड की हेग नहीं है गौरव, एमस्टरडम है. और मैड्रिड में किसका हेडक्वार्टर है? UNWTO, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, है ना. चलो नेक्स्ट आ जाओ. इसमें यार आंसर आ गया मेरे से गलती से. चलो, इंडिया हैज क्लिंच्ड फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2022 टाइटल आफ्टर डिफीटिंग विच टीम. तो इंडिया ने कौन सी टीम को हराया था? इंडिया ने हराया था बच्चों पोलैंड को. किसको हराया था? पोलैंड को. ठीक है, पोलैंड की कैपिटल क्या है जल्दी बताओ. क्या कैपिटल है पोलैंड की? और आपको पता है पोलैंड जो कंट्री है ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, है ना. आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ये कंट्री एग्जिस्टेंस में आई है. क्या कैपिटल है पोलैंड की? वॉर्सो, है ना. क्या है कैपिटल? वॉर्सो इज द कैपिटल ऑफ पोलैंड. नेक्स्ट आ जाओ. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट With respect to the Eldora Boxing Cup, जो कि कहां पर हुआ था? नूर सुल्तान कजाकिस्तान में. तो पहले मुझे ये बताओ नूर सुल्तान का पुराना नाम क्या है? नूर सुल्तान तो नया नाम है कजाकिस्तान की कैपिटल का, पुराना नाम क्या है इसका? एलेना दीदी जीती थी इसको. अच्छा, अस्ताना है, बिल्कुल. हाँ कृष्णा, ठीक है. अब सुनना, द टूर्नामेंट होस्टेड बॉक्सर्स फ्रॉम इंडिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, क्यूबा, चाइना एंड मंगोलिया. एन इंडियन कंटिंजेंट वॉन विद एन ओवरऑल टैली ऑफ द 14 मेडल्स. मतलब इंडिया ने टोटल कितने मेडल्स जीते थे? 14 मेडल्स जीते थे, 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज. तो क्या दोनों सही है? बताओ दोनों सही है क्या? तेरे को कुछ गलत याद है दक्ष? वो टेनिस ओपन था. इज द राइट आंसर नो. सी इज द राइट आंसर. दोनों ऑप्शन करेक्ट. ठीक है, आंसर क्या होगा? सी. दोनों ही ऑप्शन जो है हमारे करेक्ट है. ठीक है, बिल्कुल रुद्राक्षी, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट होंगे. अब यहाँ जो कंट्रीज लिखी है जल्दी से तुरंत कैपिटल. अब कैपिटल रिवाइज करनी पड़ेंगे हमें, वी हैव नो एनी अदर ऑप्शन.
उज़्बेकिस्तान की क्या है? ताशकंत है। कजाकिस्तान की तो अभी देख ही ली हमने, नूर सुल्तान। क्यूबा, क्यूबा को क्या बोला जाता है? शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, चीनी का कटोरा। ठीक। चाइना की क्या है? बीजिंग। और मंगोलिया की क्या है? उलान बटोर। और मंगोलिया में भी एक स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, क्या याद है किसी को? वो वर्ल्ड चैंपियनशिप था रे छोटू। अरे क्यूबा की कैपिटल तो लिखी नहीं, मैंने नहीं बोली थी, तुमने भी नहीं लिखी। मंगोलिया में क्या हुआ था? हवाना। ठीक है, गुड। मंगोलिया में भी कोई स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था, मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है। कोई बात नहीं, और अब आज की क्लास के बाद सब हो जाएगा। मैं ये पीडीएफ दे दूंगी, एक बार रिवाइज कर लेना आप लोग। ठीक है, वही हो गया बहुत दिन से। मैं इसलिए पता है करंट छोड़ना नहीं चाहती थी, पर तुम्हारे स्टैटिक के चक्कर में रह गया। चलो आ जाओ नेक्स्ट, क्या है क्वेश्चन? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू इंडियन क्रिकेट टीम्स टूर टू वेस्ट इंडीज एंड द यूएसए। ठीक, इंडियन क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज और यूएसए के टूर की बात हो रही है यहाँ पे। सो द इंडियन मेंस क्रिकेट टीम टूर्ड द वेस्ट इंडीज एंड यूएसए ड्यूरिंग जुलाई अगस्त 2022। हाँ हाँ, सबको मिलेगी पीडीएफ। फोर्स डिफेंस अकेडमी इंदौर का टेलीग्राम चैनल सब भी लोग ज्वाइन करेंगे तो वहां पर पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके अलावा भी बहुत जल्दी हमारा जो एप्लीकेशन है उस पर पीडीएफ अपलोड किया करेंगे। सो अगर आप लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया ना तो उसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, और रेफर करना कि और भी लोग हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। ड्यूरिंग द टूर 3 वनडे इंटरनेशनल्स एंड 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस वर प्लेड। तो इस टूर में कितने ओडीआई खेले गए? 3। और कितने T20 खेले गए? 5। बताओ क्या होगा आंसर, जल्दी जल्दी आंसर करो यार, अपन को बहुत सारा पढ़ना है। मोहित कह रहे हैं दोनों। बोथ, पक्का? गुड। सो द राइट आंसर इज बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, चलो आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द इंडिया इंग्लैंड ओडीआई सीरीज 2022। अच्छा मुझे ये बताओ, एक क्रिकेट मैच होता है जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेला जाता है, और पहला मैच दुनिया का वो भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में ही खेला गया था। जय हिंद युवराज। एशेज है ना, ये सिर्फ किस किस के बीच में होता है? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। ठीक है, गुड। छोटू का मैसेज आया, आज कॉन्फ्रेंस थी। आज कॉन्फ्रेंस थी क्या तेजस्वी? 28, 31, 1। कल है ना? मैं तो भूल ही गई, कल है। कैसा चल रहा है, क्या परफॉर्मेंस है उसकी? आ जाओ, क्वेश्चन है हमारा कि इंडिया बीट इंग्लैंड बाय 8 विकेट्स इन इंडियन इंग्लैंड ओडीआई और ऋषभ पंत वॉज डिक्लेयर्ड प्लेयर ऑफ द मैच। बताओ आंसर, बताओ क्या आंसर होगा इसका। इंडिया ने हराया था इंग्लैंड को 8 विकेट से और प्लेयर ऑफ द मैच जो है मिला था ऋषभ पंत को। आंसर, अच्छा सी भी है, हार्दिक पांड्या वॉज डिक्लेयर्ड प्लेयर ऑफ द सीरीज। बताओ सही जवाब। सो अगेन, जब मैं कह रही हूं ना तुमसे कि ये जो ऑप्शन होता है बच्चों, मैक्सिमम टाइम ये इसीलिए ही होता है। लाइक कर दो भैया, लाइक ही नहीं कर रहे आज तो तुम लोग।
और सबने अपने अपने स्टेटस डाल दिए कि नहीं? डी विल बी द राइट आंसर. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे. विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू रणजी ट्रॉफी? आपको पता है क्रिकेट की ओल्डेस्ट ट्रॉफीज में से एक है रणजी ट्रॉफी. और जब एमबीबीएससी देते हैं ना, सो जब रणजी ट्रॉफी के बारे में पढ़ते हैं तो यही पढ़ते हैं कि भैया मध्य प्रदेश जो है आज तक रणजी ट्रॉफी नहीं जीता था, पर फाइनली दिस टाइम इस बार की जो रणजी ट्रॉफी है वो किसने जीती है? वो एमपी ने ही जीती है. तो रणजी ट्रॉफी से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है उनको देख लेंगे हम जरा क्या स्टेटमेंट है. सो पहला, इट वाज अ 87 सीजन ऑफ रणजी ट्रॉफी. तुम समझो कितना पुराना है, 87 साल हो गए हैं, है ना. दूसरा, मध्य प्रदेश वॉन द रणजी ट्रॉफी 2021-22. बिल्कुल सही है, ठीक है. तीसरा, सरफराज खान नेम्ड एज अ मैन ऑफ द टूर्नामेंट. और चौथा है, मुंबई शम्स मुलानी स्कोर्ड मोस्ट रन. सबसे ज्यादा रन बनाए हैं मुंबई के शम्स मुलानी ने. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है? 87 था, बिल्कुल सही है. एमपी ने पहली बार जीता है, बिल्कुल सही है. सरफराज खान को मैन ऑफ द टूर्नामेंट का टाइटल दिया गया है, बिल्कुल सही है. एंड द लास्ट ऑप्शन इज कि मुंबई के जो शम्स मुलानी हैं उनने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सबसे ज्यादा रन भी किन्होंने बनाए हैं? सरफराज खान ने बनाए हैं. किसने बनाए हैं? सरफराज खान ने. तो रणजी ट्रॉफी क्वेश्चन क्या आएगा, किससे रिलेटेड है? बिल्कुल चांसेस है, बहुत बड़ी ट्रॉफी है, क्रिकेट से रिलेटेड है. कौन सा एडिशन हुआ है इस बार? 87 एडिशन हुआ है. किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने जीता है, वो भी पहली बार, ठीक है. सरफराज खान को मैन ऑफ द टूर्नामेंट चूज किया गया. सबसे ज्यादा रन भी किसने बनाए हैं? सरफराज खान ने बनाए हैं. और सरफराज खान है कहाँ के? तो महाराष्ट्र की टीम की. तो इसका मतलब एमपी ने किस टीम को हरा करके ये टूर्नामेंट जीता है, जल्दी बताओ. किसको हरा के? मुंबई को, ऑब्वियसली, है ना. ठीक है, चलो Which pair is incorrect with reference to IPL 2022? Winner Gujarat Titans, definitely हम सबको पता है ये. Orange cap मिला था जोस बटलर को, purple cap मिला था युजवेंद्र चहल को, और most valuable player of the season was दिनेश कार्तिक. क्या होगा answer? मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है सीजन के दिनेश कार्तिक थे. क्या है सही है? तो ये सही नहीं है. तो कौन थे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर? मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन थे? ईशान किशन नहीं रहे, यही थे जोस बटलर, आरआर फॉर राजस्थान रॉयल्स. हार्दिक पांड्या नहीं यार, यही है जॉस बटलर ही जो है, यही क्या थे सबसे महंगे खिलाड़ी थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है. अच्छा मुझे ये बताओ कि किसको हरा करके जीता था? तो ये जीता था किसको हरा करके? राजस्थान रॉयल्स को, ठीक है. किसको हरा करके? राजस्थान रॉयल्स को हरा करके ये जीता था भैया, ठीक है, चलो. अच्छा आईपीएल के बारे में बताओ मुझे. आईपीएल स्टैंड्स फॉर इंडियन प्रीमियर लीग. कब से स्टार्ट हुआ था आईपीएल, ये पता है किसी को? स्टार्टिंग ईयर क्या है इंडियन प्रीमियर लीग का?
2008। और दो नई टीम जो इस बार जोड़ी गई थी, कौन कौन सी थी जो नई, दो नई टीम जोड़ी गई थी ना इस बार, क्यों निशांत? लखनऊ और गुजरात, पहले कुछ अहमदाबाद करके क्या तो नाम था इसका, लखनऊ और गुजरात, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। मैच द फॉलोइंग लिस्ट। अब ये पता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि इस बार भी आपके सीडीएस में यहाँ से क्वेश्चन आया ही आया था, ठीक है ना? और चेस से पता नहीं क्यों क्वेश्चन आ ही जाते हैं। अच्छा, कल वाली गणेश जी वाली वीडियो देखी सबने कि नहीं देखी? स्टोरी सुनाई थी मैंने, उसमें देख ली क्यों? सूरज, अश्विन, ऋषभ, मोहित, वीडियो देखी सबने कल वाली? क्या सीख मिली उससे, मतलब जो मिली है कमेंट भी डाला था, ठीक है। जो सिखाया है उसको इम्प्लीमेंट करना है ना कुछ तो हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना ही पड़ेगा। मैं पूजा करवा रही थी, वो दूसरी है, वो गणेश जी की स्थापना वाली है। चल आ जाओ, आंसर बताओ उसका। नॉर्वे चेस जो हुआ, इसको किसने जीता? नॉर्वे चेस ग्रुप ए किसने जीता और चेसेबल मास्टर 2022 किसने जीता? चुप कर जाओ तुम लोग, आंसर करो चुपचाप। देखो अगर नहीं आता तो मैं बता देती हूँ, मैग्नस कार्लसन ने जीता था नॉर्वे चेस 2022, ठीक है। फिर नॉर्वे चेस ग्रुप ए जीता था आर प्रज्ञानंद ने, और ये मैंने आपको पढ़ाया है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एंड तीसरा बचता है चेसेबल मास्टर्स, तो ये क्या बचेगा? डिंग लरन। चुप हो जाओ, पढ़ लो जरा, पंचायत करने लगते हो तुरंत ही। हाँ भाई, यंगेस्ट हैं बिल्कुल। ठीक है, ये लिखो जल्दी, लिखोगे तभी याद होगा। ये आया था पिछली बार क्वेश्चन। ए का थर्ड, बी का वन, सी का टू, वेरी गुड। विश्वनाथन आनंद के बारे में अभी आने वाले एक क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड, फिर वो बताऊंगी। विश्वनाथन आनंद जो है पहले चेस ग्रांड मास्टर है इंडिया के, और पहले अवार्डी भी है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की 1992, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अरे यार, कुछ कुछ मैंने आंसर स्टिक कर दिए थे मैंने। इंडियाज प्रीमियर बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने वुमेन सिंगल जीता था, तो ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, ऐसे सभी को पता होगा। वेरी गुड छोटू, किसने जीता था, मतलब पीवी सिंधु ने कौन सा ओपन जीता था? सिंगापुर ओपन जीता था, है ना, ये पढ़ चुके हैं हम। और अभी कॉमनवेल्थ में क्या जीता है पीवी सिंधु ने? कॉमनवेल्थ में जीता है गोल्ड, है ना। इसके बाद रियो ओलंपिक्स 2016 में जीता था सिल्वर, और इसके बाद टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में जीता है ब्रोंज, और इसी के साथ शी इज द फर्स्ट फीमेल प्लेयर ऑफ इंडिया टू विन मेडल इन टू कंसेक्यूटिव ओलंपिक्स। तो कंसेक्यूटिव ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी कौन है इंडिया की? सो शी इज पीवी सिंधु, ठीक है। कॉमनवेल्थ के फ्लैग बियरर बताओ। चलो मुझे कॉमनवेल्थ का हो सकता है लास्ट के क्वेश्चन ना आए पर शुरुआत के क्वेश्चन आ जाएं। पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह, और समापन क्या बोलते हैं लास्ट वाले को, क्लोजिंग सेरेमनी,
पीयूष भी है, मनप्रीत सिंह कौन है, और ये निखत जरीन और शरत कमल है, शरत ठाकुर नहीं हो, शरत कमल। हाँ ठीक है, गुड, चल आगे बढ़े। अच्छा यार, आप जो सिंगापुर के ओपन के बारे में लिख ही रहे हैं तो चार ग्रैंड स्लैम्स और लिख दो जल्दी से, चारों ग्रैंड स्लैम्स के बारे में और लिख दो, चारों टेनिस टूर्नामेंट के बारे में। दक्ष क्या लिख रहे है तू, ये जय हिंद विनायक। चल आज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थॉमस कप के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। इट इज एन इंटरनेशनल टेनिस कॉम्पिटिशन, चाइना हैज वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ थॉमस कप एंड इट इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड मेंस टीम चैंपियनशिप। क्या होगा आंसर बताओ, थॉमस कप की बात कर रहे हैं भैया, थॉमस कप पहली बात तो यहां पे पूछा क्या है, इनकरेक्ट पूछा है, ये ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, कौन कौन से ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं, सो पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, ठीक है। थॉमस कप किस गेम से रिलेटेड है, थॉमस कप किस गेम से रिलेटेड है भैया, बैडमिंटन का है, और सबसे ज्यादा जीते किसने हैं, इंडोनेशिया ने जीते हैं। क्या यार, थॉमस कप इज रिलेटेड विद बैडमिंटन, सबसे ज्यादा किसने जीते हैं, इंडोनेशिया ने जीता है, और इस बार का थॉमस कप किसने जीता है भाई, इंडिया ने, हमारे इंडिया ने, और इंडोनेशिया ने पता 14 बार जीता है, 14 बार के विनर रहे, इंडोनेशिया को हरा दिया है। नहीं पंकज, नहीं भूली मैं नाम तेरा। थॉमस कप इज रिलेटेड विद बैडमिंटन एंड दिस इज फॉर मेंस टीम चैंपियनशिप, ठीक है। इसके बाद सेकेंड इज कि सबसे ज्यादा बार जीता है इंडोनेशिया ने, और इस बार कौन जीता है, इंडिया जीता है, ठीक है। कोई बात नहीं मोहित, अब डेली आएगा ना, तू एकदम ज्ञानी हो जाएगा, टेंशन मत ले। सबके नाम याद रहते हैं मेरे को, टेंशन मत लो, तो ठीक है ना। सो ये देख लो, हुआ था बैंकॉक थाईलैंड में। अच्छा थाईलैंड को क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ Uber का, वेरी गुड सचिन। Uber कप जो है, दिस इज रिलेटेड टू फीमेल बैडमिंटन कप, मेंस के लिए थॉमस कप एंड Uber कप इज फॉर फीमेल, ठीक है। और इस बार का कहां हुआ था, बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था, जो इंडिया ने जीता है, वेरी गुड। लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट किसको कहा जाता है, थाईलैंड को कहा जाता है, वेरी गुड समर्थ, गुड। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडोनेशिया ओपन से रिलेटेड है, ठीक है। विक्टर एक्सलेसन जो कि डेनमार्क के हैं, वॉन इन द कैटेगरी ऑफ मेन सिंगल, एंड सेकंड इज शेन युफे, नाम से समझ में आ रहा है चाइना की होगी, इन्होंने विमेन सिंगल जीता है एंड इट इज एन इंटरनेशनल टेनिस कॉम्पिटिशन। बताओ इंडोनेशिया ओपन, तो अभी टेनिस की तो बात ही नहीं कर रहे। Uber कप साउथ कोरिया ने जीता है, हाँ
बताओ आंसर क्या होगा। यार तुम लोग पता है आंसर नहीं देखते, यहाँ पे ये देख लिया करो क्या लिखा है। इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है, क्या पूछा है इनकरेक्ट। तुम यही गलती अगर एग्जाम में करके आए तो क्या होगा बेटा। थॉमस कप इंडिया और ऊबर कप साउथ कोरिया। मैंने कब बोला इंडिया। इनमें से सही सिर्फ क्या है, ए सही है, बाकी के दोनों गलत है। पेपर नहीं है ये, करंट अफेयर्स की पीडीएफ है। खैर उल्टा बोल दिया ना मैंने, पहला वाला इनकरेक्ट है, बाकी दोनों सही है। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ये इनकरेक्ट है, बाकी के दोनों। यार क्या बोल रही हूँ, एक सेकेंड। हाँ सही तो बोल रही हूँ, बी और सी गलत है, सिर्फ पहला सही है। तुम यार कंफ्यूज कर देते हो मेरे को। क्या हो गया निशांत। सो बैडमिंटन टूर्नामेंट मेनली आपको याद रखना है, थॉमस कप आता है कई बार, ठीक है। और इस बार इंडिया ने जीता है तो डेफिनेटली आने के चांसेस हैं। पहले पहली बार जो टूर्नामेंट्स हुए ना वो डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं कि भैया इंडिया ने थॉमस कप जीता है, रणजी ट्रॉफी जीती है किसने, एमपी ने, और आईपीएल शायद पहली बार ही, गुजरात की टीम नई नई थी, पहली बार ही जीता है इसने, तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा आईपीएल मैक्सिमम टाइम्स किसने जीता था, मैक्सिमम टाइम आईपीएल किसने जीता है, मुंबई इंडियंस की चेन्नई सुपर के। मुंबई, ठीक है तो इसमें बी और सी गलत है। देख लो विनर, देख लो विक्टर एलिसन जो कि कहाँ के हैं, डेनमार्क के हैं, इन्होंने जीता है मैन सिंगल, और वुमेन सिंगल जीता है ताई जू यिंग, किसने, ताई जू यिंग, ठीक। चल नेक्स्ट आ जाओ, शादी बड़ा हो गया, देख लो इसका आंसर ही देख लेना। इंडिया की जो वुमेन्स रेसलिंग टीम है, ठीक है, रेसलिंग टीम नहीं मतलब, क्लेम्ड हाउ मेनी गोल्ड मेडल इन अंडर 17 एशिया चैंपियनशिप 2022 जो कि कहां हुई, बिश्केक में हुई, और बिश्केक किसकी कैपिटल है, किर्गिस्तान की कैपिटल है, ठीक है। और ये मैंने आपको पढ़ाया था इंडियन टीम ने कितने मेडल्स जीते हैं, यहाँ पर 8 मेडल्स जीते हैं। तो आपसे मान लो स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लिया कि अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप बिश्केक में हुई है, ठीक है, और उसमें इंडियन रेसलिंग टीम ने मेडल्स जीते हैं 8। ठीक है देखो, द अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप विच वॉज हेल्ड इन बिश्केक जो कि जून में हुआ था, ठीक है, और यहाँ पर द इंडियन फ्री स्टाइल टीम वॉन द एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी विद 188 पॉइंट्स, ठीक है, और कजाकिस्तान जो है रनर अप रहे हैं विद 150 पॉइंट्स, और उज्बेकिस्तान ने जो है थर्ड स्पॉट जो है ऑक्यूपाई किया है विद 145 पॉइंट्स। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, दो चीजें याद रखना कि कहां पे हुआ था, तो किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक में हुआ था, और इंडियन टीम को कितने मेडल्स मिले हैं, तो टोटल 8 मेडल्स मिले, ठीक। चलो नेक्स्ट देख लेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है। Which of the following statement with reference to Wimbledon championship? तो सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कि Wimbledon जो है ये है किस गेम से रिलेटेड। Wimbledon is related with which sports? Tennis, very good। किस से रिलेटेड है, टेनिस से रिलेटेड है। तो इसका आंसर करने से पहले हमें याद करना है चार ग्रैंड स्लैम्स टूर्नामेंट। सबसे पहला विंबलडन,
देन आफ्टर यूएसए, देन आफ्टर फ्रेंच एंड देन आफ्टर ऑस्ट्रेलिया. विंबलडन कब शुरू हुआ? 1877, यूएसए 1881, फ्रेंच 1891 एंड जो ऑस्ट्रेलिया है 1905. ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि टेनिस के जो चार ग्रैंड स्लैम्स हैं उनमें से कौन सा ग्रैंड स्लैम है, मतलब कौन से हैं जो एक ही कॉन्टिनेंट में खेले जाते हैं. कोई बात नहीं, मत लिख. यूएसए और ऑस्ट्रेलिया हार्ड कोर्ट, फ्रेंच जो है क्ले कोर्ट और विंबलडन ग्रास कोर्ट. ठीक है, कौन से दो हैं जो एक ही कॉन्टिनेंट में खेले जाते हैं? विंबलडन और फ्रेंच दोनों कहाँ हैं? यूरोप में है. विंबलडन खेला जाता है लंदन में और फ्रेंच यानी कि फ्रांस. ठीक है, तो ये चारों याद रखने, आप उनका कोर्ट भी पूछ लेते हैं भाई कौन सा किस कोर्ट पर खेला जाता है. ठीक है, चलो भाई अब हम बात करते हैं विंबलडन चैंपियनशिप के बारे में. इट वॉज द थर्ड ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑफ द ईयर 2022. ठीक है, दिस ईयर 135th एडिशन ऑफ टूर्नामेंट वॉज प्लेड. तो आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर ये याद है कि 1877 से शुरू हुआ है और ये ईयर चल रहा है भैया 2022, तो कितने साल हुए? हो गए 135 साल हो गए. विंबलडन ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेला जाता, तो ऑस्ट्रेलिया कब बोला मैं? लंदन बोला ना. इट टुक प्लेस एट द ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रिकेट क्लब इन विंबलडन लंदन. ठीक, विंबलडन ट्रेडिशंस इंक्लूड अ स्ट्रिक्ट ऑल वाइट ड्रेस कोड फॉर ऑल. यार ये शोर कितना कर रहे हैं बच्चे. बताओ क्या सही है इसमें से? 235 हुए कि 135 हुए? क्यों निशांत? 145 हुए. अरे यार तुमसे तो कैलकुलेशन ही नहीं हो रही. ए गलत है. दो हजार बाईस में से अगर माइनस करेंगे 877 तो कितना होगा? ये हुआ 5. ठीक है, यहाँ था 1 तो कितना हो गया 11. 11 में से 7 जाएगा तो 4, यहाँ आ गया कितना 9, तो ये हुआ 145 हो रहा है. लेकिन ये हर साल थोड़ा हर साल होता है क्या? बीच बीच में नहीं हुए यार. सही है ये, तुम फालतू कैलकुलेशन मत लगाओ. 135th एडिशन था ये. ठीक है, इतना याद रखना है तुमको, खत्म बात. और ये होता कहाँ है? लंदन में होता है. सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वो सही है इसके. हो सकता है बीच बीच में नहीं हुआ हो, कुछ कारण रहा हो जिस वजह से रह गया हो, कुछ भी पॉसिबिलिटीज हैं. ठीक है, सो ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. और अगर हम बात करें यहां पर मैन सिंगल किसने जीता है बच्चों?
नोवाक जोकोविच ने, किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने जीता है। और नोवाक जोकोविच किस कंट्री के हैं, सर्बिया के हैं। और विमेन सिंगल किसने जीता है, एलेना रेबेकिना, ठीक है। और इन्होंने एक और जीता था ना, यही था विंबलडन ही था। छोटू तुम जो कजाकिस्तान वाला बोल रहे थे ना, एलेना दीदी, कौन बोलता था एलेना दीदी, चुप हो जाओ तुम, पंचायत मत किया करो। सबसे ज्यादा राफेल नडाल, चलो 1877 से खेला जा रहा है। मैड्रिड ओपन की बात करेंगे, ये सारे टेनिस के ही चल रहे हैं अभी, ठीक है। मैड्रिड ओपन 2022 जो है ये कहाँ खेला गया, स्पेन में। ये तो मतलब बहुत ऑब्वियस सा नहीं लग रहा। नोवाक जोकोविच वॉन द इटालियन ओपन 2022। नेक्स्ट इज ईगा स्विटेक जो कि पोलैंड की है, वॉन द मैड्रिड ओपन 2022 इन वुमेन सिंगल कैटेगरी। बताओ क्या सही है इसमें से, ये तो सही है ऑब्वियसली, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा है यहाँ पे, कौन सा इनकरेक्ट है कि क्या पूछा, करेक्ट, हाँ इनकरेक्ट पूछा है, ये तो सही है। बताओ आंसर करो, गुड इवनिंग, जय हिंद। सी गलत है ऐसा बोल रहे हैं हमारे छोटू भैया, देख लेते हैं, बिल्कुल सी इज रॉन्ग। देखो यहाँ पर इटालियन ओपन और मैड्रिड ओपन दोनों लिखे हुए हैं। इटालियन ओपन जीता था नोवाक जोकोविच और ईगा स्विटेक, ठीक है। इसके बाद मैड्रिड ओपन किसने जीता है, कैरलस अल्कार्स और ओनेस ज़ेबियर, ठीक है। नहीं भी याद हो रहे हैं ठीक है, बहुत इतना डेप्थ में तुमको पूछेंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे ओपन है ऐसे कितने ही पूछेंगे, पर फिर भी पढ़ना हमारा काम है। अगर आ गया तो मैं तो कहूंगी कि मैंने पढ़ाया था तुमको, याद नहीं था बस, मैं क्या करूं, ठीक है ना। तो ये देख लेना, मेनली वो पीवी सिंधु वाला आएगा मेरे को ऐसा लग रहा है। देखो डच फॉर्मूला वन ड्राइवर जो है मैक्स वेरस्टैपन वॉन द हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स मोटर रेस इन, तो मेरे को ना रिफ्लेक्स बोर्ड का क्या है क्वेश्चन। डच फॉर्मूला वन ड्राइवर है कौन, मैक्स वेरस्टैपन, जिन्होंने अभी अभी क्या जीती है, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीती है। सो क्वेश्चन ये है कि ये किस टीम को बिलोंग करते हैं, फरारी को है, रेड बुल्स रेसिंग है, मर्सिडीज है, एस्टन मार्टिन है, किस टीम को ये बिलोंग करते हैं ये बताना है। निशान मत, चांटा मार दूंगी अभी, अब तुम लोगों ने पंचायत किया मैं क्लास बंद कर दूंगी, तुम पढ़ने में तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, पंचायत करने में तुम्हारा इतना ध्यान है, जबरन गुस्सा मत दिलाओ मेरे को। अब अगर मैंने देखा ना एक भी कमेंट तो मैं बता रही हूं तुमको, चार दिन में एग्जाम है ये समझ में नहीं आ रहा, पंचायत करने खड़े हो गए यहाँ पे। डी विल बी द राइट आंसर, रेड बुल रेसिंग, क्या होगा सही आंसर, रेड बुल रेसिंग, ठीक। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 रेड बुल रिंग इन दी स्पाइलबर्ग ऑस्ट्रिया। चल बताओ किसने जीता है ये, मैक्स वेरस्टैपन तो अभी हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता था, हम तो बात कर रहे हैं ऑस्ट्रियन की, और ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना से क्या पढ़ा है हमने,
लुइस हैमिल्टन तो नहीं है यार ना, बस ये याद रखना लुइस हैमिल्टन को यूके, यूके के हैं वो, ब्रिटेन के हैं, यूके गवर्नमेंट ने जो है अवार्ड दिया है, कौन सा, नाइटहुड का। ओपेक का हेडक्वार्टर है और मोस्ट लिवेबल सिटी इन दी वर्ल्ड। गुड, इसका जो आंसर होगा बच्चों दैट इज सी, चार्ल्स लेक्लर। क्या है आंसर? चार्ल्स लेक्लर। तो अभी तक हमने दो ग्रैंड प्रिक्स पढ़ी हैं, पहली कौन सी, हंगेरियन जो जीती है मैक्स वेरस्टैपन ने, और दूसरी कौन सी है, ऑस्ट्रियन जो जीती है चार्ल्स लेक्लर ने। ठीक, चलो नेक्स्ट आ जाओ। विच इंडियन वुमेन फेंसर, फेंसिंग जो गेम होता है ना, वॉन द गोल्ड मेडल एट द कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2022। एंड इसके अलावा मैं एक और हिंट दे देती हूँ तुमको, शी इज द फर्स्ट वुमेन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक्स 2020। पहली फेंसर है वो, तलवारबाजी काइंड ऑफ एक गेम होता है, बताओ क्या आंसर होगा? रुचि त्रिखा, स्मृति बाटनेजा, भवानी देवी या फिर नन ऑफ द अबव। क्या है आंसर? ठीक है, आंसर है भवानी देवी। और याद रखना बन सकता है क्वेश्चन इनसे, क्योंकि आपको पता होगा पिछले सीडीएस में अवनी लेखरा वाला क्वेश्चन आया था, एफकेट में भी आया था। इंडियन फीमेल फेंसर भवानी देवी हैज वॉन गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ फेंसिंग 2022। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन पर्सनैलिटी हैज बीन इलेक्टेड एज द डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। ठीक है, सो अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ के अध्यक्ष बने हैं, मतलब डिप्टी प्रेसिडेंट बने हैं, उपाध्यक्ष इंडियन प्लेयर ही हैं वो, कौन होंगे बताओ? बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब एक ही नाम तुमको इसमें जाना पहचाना लग रहा होगा, विश्वनाथन आनंद। ठीक है, गौरव कह रहा था ना विश्वनाथन आनंद के बारे में बताओ, तो देखो भैया विश्वनाथन आनंद रिलेटेड है चेस से, एंड शी इज द फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ चेस, और अब तो बहुत सारे हो गए, 73-74 हो गए, और पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पाने वाले भी पहले व्यक्ति कौन है? विश्वनाथन आनंद है। एंड अगेन दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट वाले में आ जाएगा ये, कि भैया इनको डिप्टी प्रेसिडेंट बनाया गया है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का, फाइड बोलते हैं बेसिकली इसको। ठीक है, और रशिया जो है, रशिया के हैं कौन, एरकेडी जो भी हैं, इनको क्या बनाया गया है? प्रेसिडेंट बनाया गया है। आइडेंटिफाई द स्पोर्ट्स पर्सनालिटी शोन इन द पिक्चर हु हैज बिकम द 75th चेस ग्रैंड मास्टर। जल्दी बताओ, ये तो पढ़ाया हूं मैंने तुमको, राहुल श्रीवास्तव नहीं है रे, निशांत तो 74 था आई थिंक। आर प्रज्ञानंद दिख रहा है ये तुमको, हैं? इसीलिए कहती हूँ न्यूज फॉलो किया करो थोड़ी बहुत। किसी का भी आंसर सही नहीं आ रहा, आंसर इज बी, वी प्रणव। निशांत यार मुझे तेरे से तो उम्मीद नहीं थी। सोलह साल के हैं ये, ठीक है
चेन्नई के हैं, 16 ईयर ओल्ड चेस प्लेयर वी प्रणव बिकेम इंडिया 75th चेस ग्रैंड मास्टर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। वी प्रणव और बाकी डी गोकेश, आर प्रज्ञानंद, इनके नाम याद रखना है ना, रिसेंटली क्या क्या जीता है ये सब कुछ। ठीक है, चलो आ जाओ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा। और इसका जवाब अगर किसी ने गलत दिया ना तो मैं बात ही नहीं करूंगी तुमसे। कितने क्वेश्चंस तो नहीं, 2 घंटे पढ़ेंगे हम, क्योंकि इसके बाद फिर मुझे आरती करानी है। ठीक है, ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और कल इसका पार्ट टू कर लेंगे। और परसों है 3 तारीख, सो 3 तारीख को ज्यादा कुछ पढ़ेंगे नहीं, चिल करेंगे उस दिन। लक्ष्मी, हाँ बेटा, क्वेश्चन ऑप्शंस है। नीरज चोपड़ा ग्रैब्ड सेकंड पोजीशन विद हिज बेस्ट थ्रो ऑफ 88.13 मीटर इन द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में इन्हें सेकंड पोजीशन मिली है 88.13 मीटर के साथ, डेफिनेटली। ठीक है, और इनको सिल्वर मेडल मिला है ना यहाँ पे, एंड इज द फर्स्ट एवर इंडियन टू विन अ मेडल एट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। पहले हैं एथलीट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, जो भी है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहले इंडियन बने हैं कौन, नीरज चोपड़ा, जिन्होंने मेडल जीता है। और इनका रिकॉर्ड भी याद रख लेना, क्या पता ऐसी स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ गया, 8.13 मीटर का है और सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। और नीरज चोपड़ा ने तो बहुत कुछ जीत लिया है अभी, ठीक है, ये याद रखना। ठीक, ठीक है, चल। सो आंसर होगा हमारा कि ओनली वन। इनकरेक्ट पूछा था, करेक्ट पूछा था, करेक्ट ही पूछा था। आंसर ये है हमारा, ओनली ए बोल रहे हैं। नीरज चोपड़ा हैज क्रिएटेड हिस्ट्री ऑन 25 जुलाई 2022 बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन सिल्वर मेडल एट वर्ल्ड एथलेटिक्स। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने, अच्छा ये जो था ना, सही तो लिखा है, टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ग्रैब्ड सेकंड पोजीशन विद हिज बेस्ट थ्रो ऑफ 88.13। सही लिखा है यार, दोनों सही है, वही तो मैं बोल। ठीक है, इनका जो रिकॉर्ड दैट इज ऑफ 88.13 मीटर, उन्होंने जीता क्या है, सिल्वर। ठीक, और पहले इंडियन बने हैं यहां पर सिल्वर मेडल जीतने वाले। एंड नीरज चोपड़ा इज द फर्स्ट एवर इंडियन टू विन अ सिल्वर मेडल एट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। चलो नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल गेम कंडक्टेड बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। मीमांसा होती तो सबसे पहले आंसर देती इस क्वेश्चन का।
राजस्थान हैज बीन अप्रूव टू होस्ट द 36 नेशनल गेम्स एंड हाँ टोक्यो में तो जीता है और गिर लायन एंड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विद सरदार वल्लभ भाई पटेल आर इन द लोगो ऑफ द गेम्स. बताओ आंसर. मैं कह रही हूँ होती ना तो यही सबसे पहले आंसर देती इसको. इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट पूछा है. करेक्ट स्टेटमेंट विल बी ओनली बी. क्यों भैया? क्योंकि गुजरात जो है दैट हैज बीन अप्रूव टू होस्ट द 36 नेशनल गेम्स. ठीक है, कौन? गुजरात, राजस्थान नहीं. गुजरात में होंगे. और अभी हमने पढ़ा था वीरा. वीरा जो है वो किसका मैस्कट है ये बताओ जल्दी से. वीरा किसका मैस्कट है? तो वीरा वॉज द मैस्कट ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम. और धाकड़ खेलो इंडिया यूथ गेम्स का है ना. पर क्वेश्चन क्या आया था? वीरा द लायन, जबकि वीरा क्या है? एलिफेंट है ना. चल नेक्स्ट क्वेश्चन आता बच्चों. विद रिस्पेक्ट टू कॉमनवेल्थ गेम्स, इनमें से जो है कौन सा स्पोर्ट्स है विल रिटर्न टू कॉमनवेल्थ गेम्स दिस ईयर फॉर सेकेंड एवर टाइम. मतलब अभी तक दूसरी बार पूरे कॉमनवेल्थ जब से स्टार्ट हुए ना, कब से स्टार्ट हुए कॉमनवेल्थ? अच्छा ये तो बता दो जरा. कनाडा और 1951 में क्या शुरू हुआ था? एशियन गेम्स है निशान. वो में क्या शुरू हुआ था? कॉमनवेल्थ गेम्स. और 1951 में एशियन गेम्स. ठीक है चलो. हाँ जी देख लिया बेटा मैंने. चलो आंसर क्या होगा? क्रिकेट. अच्छा मुझे बताओ आज तक ओलंपिक में कभी भी क्या क्रिकेट खेला गया है? आज तक कभी भी ओलंपिक्स में क्रिकेट खेला गया है क्या? कब खेला गया है? एक बार है ना. कब? 1900, 1904. अरे यार ये तो कितने अच्छे से पढ़ाया था. ठीक है चलो. और अभी हमने पढ़ा था खेलो इंडिया यूथ गेम में कौन सा ट्रेडिशनल गेम जो है वो ऐड किया गया था. जल्दी बताओ. अब भी पढ़ा था कौन सा ट्रेडिशनल गेम विच हैज बीन एडेड इन द खेलो इंडिया युद्ध के मलखा. ठीक है अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है. विच ऑर्गेनाइजेशन हैज पार्टनर्ड विद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन टू सेट अप फर्स्ट एवर इंडियन हाउस एट पेरिस ओलंपिक. पेरिस ओलंपिक में इंडियन हाउस. पेरिस ओलंपिक 2024 में होने हैं और 2028 में होंगे लॉस एंजलिस में. ठीक है So, वहां पर इंडियन हाउस एस्टेब्लिश करने के लिए किस कंपनी ने पार्टनरशिप की है ओलंपिक्स के साथ, ओलंपिक एसोसिएशन के साथ? रिलायंस है ना. आंसर क्या है? रिलायंस. हालांकि दैट वाज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बट स्टिल.
we should have some information about that. Chalo. Which of the following statement is incorrect with regard to create for India campaign? ठीक है, देखो, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज SAI हैज स्टार्टेड कैंपेन जिसका नाम है क्रिएट फॉर इंडिया. ठीक है, एम टू चीयर इंडियन कंटेंजेंट्स पार्टिसिपेट इन द बर्मिंघम ओलंपिक्स 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स. थर्ड, पार्टिसिपेंट्स कैन सबमिट देयर क्रिएटिव यूजिंग द हैशटैग क्रिएट फॉर इंडिया एंड द कैश प्राइज वॉज 15,000. क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये मैंने आपको पढ़ा था, तेजू चुप करके पढ़ना है, अब मजा आए चाहे नहीं आए. ठीक है, क्वेश्चन ये है कि क्रिएट फॉर इंडिया कैंपेन जो है वो किस लिए चलाया गया था. तो ये चलाया गया था हमारे जो कंटेंजेंट्स है ना, जो बर्मिंघम जा रहे थे, ठीक है, उनको चीयर अप करने के लिए. और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या करना है, हैशटैग क्रिएट फॉर इंडिया यूज करना है. एंड इसमें जो कैश प्राइज है दैट इज ऑफ 15,000 आई गेस. ठीक है, सो क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से जो है कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, बताओ जल्दी जल्दी बताओ. डेफिनेटली डी इज रॉन्ग बिकॉज देयर इज नो कैश प्राइज. कोई भी कैश प्राइज यहां पर नहीं है, देयर इज नो कैश प्राइज. आ जाओ, इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन विच स्टेट. इंडिया का पहला ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम किस स्टेट में शुरू किया गया 24 मई 2022 को. हरियाणा, कर्नाटका, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र. आंसर डेफिनेटली हमारा पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, आंसर है उड़ीसा. और अभी विलेज ओलंपिक्स जो है कंडक्ट किए जा रहे हैं किस स्टेट में. विलेज ओलंपिक्स आर बीइंग कंडक्ट एट गुड छोटू कहा, राजस्थान में. ठीक है, चल आगे बढ़ेंगे. द एशियन गेम्स 2022 हैज पोस्टपोन टू 2023 टू बी हेल्ड इन विच कंट्री. एशियन गेम्स जो कि इंडिया से शुरू हुए थे 1951 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब हमारे प्रेसिडेंट थे उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था. सो इनको पोस्टपोन कर दिया गया है, 2022 वाले को 2023 में होंगे. कहां पर, चाइना, रशिया, इंडिया या फिर जापान. डेफिनेटली राइट आंसर इज चाइना. कोविड केसेस वहां पर बढ़ रहे थे इस वजह से पोस्टपोन किया. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ. अब देखो थोड़े थोड़े ना जाने पहचाने क्वेश्चन अब तुमको देखेंगे. स्टेट वाइज करंट अफेयर किया था ना अपन ने, तो उसके क्वेश्चन अब देखेंगे तुमको. विच स्टेट गवर्नमेंट साइन एन MOU विद डेलॉइट कंसल्टेंट टू अचीव 1 trillion इकोनॉमी टारगेट 5 अगस्त 2022. और तेजस्वी ने पूछा भी था मुझसे कि मैम डेलॉइट का मतलब क्या होता है, पढ़ाया था ना मैंने ये. अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए 5 अगस्त 2022 को किस स्टेट गवर्नमेंट ने
डेलॉइट जो कंसल्टेंट है ये एक कंसल्टेंसी एजेंसी है, ठीक है, और ये मैंने पढ़ाया था, मुझे याद है तुम लोगों ने क्वेश्चन पूछा था डेलॉइट क्या है. सो दिस इज अ कंसल्टेंसी, यूपी है ना, उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर. अब तुम्हारे जाने पहचाने क्वेश्चन आएंगे तो तुमको थोड़ा मजा आएगा. स्पोर्ट्स का पोर्शन तुम्हारा थोड़ा बचा हुआ था ना, इसलिए तुमको मजा नहीं आ रहा था. द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च 100% स्टेट फंडेड स्कीम फॉर प्रमोटिंग यूज ऑफ ड्रोन्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन 5 अगस्त 2022. यूपी में लेक्स का नहीं, वो वॉटर बॉडीज का रिजुविनेशन. लाइक नहीं किया हो तो कर देना, मैं बता रही हूं तुमको. यूज ऑफ ड्रोन इन एग्रीकल्चर सेक्टर. बताओ आंसर इज यूपी नहीं है बेटा ना, आंसर इज गुजरात. क्या है आंसर? गुजरात इज द राइट आंसर. पंजाब नहीं, गुजरात. गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है भैया? भूपेन भाई पटेल. ठीक, नेक्स्ट देखो. रिसेंटली विच स्टेट्स कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट. 7 नए डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो किस स्टेट में बनने वाले हैं? एमपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल या फिर गुजरात? अच्छा चलो मैं तुमको इसका हिंट देती हूँ. हमने एक बिल पढ़ा था, द बिल इज कि उस स्टेट में अब गवर्नर की जगह सीएम विल बी द चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज. महाराष्ट्र नहीं है अभी, नो. आंसर इज वेस्ट बंगाल, डेफिनेटली. ठीक है ना, और ममता दीदी जो है यहाँ की, इनको कुछ यहाँ पर अवार्ड भी दिया गया था, कुछ साहित्य वाहित्य रिलेटेड अवार्ड था. ठीक, वेस्ट बंगाल. चल नेक्स्ट आ जाओ. सेमीकंडक्टर पॉलिसी. भैया ये क्वेश्चन एफ कैट में आ चुका है, इतना चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था मैंने. दैट विच स्टेट इज फर्स्ट टू लॉन्च द सेमीकंडक्टर पॉलिसी. ये अगर किसी को याद नहीं है ना तो तुमको तो मैं बचा ही नहीं सकती, बता रही हूँ. ऐसे पढ़ाया था ना ये, तो पहला कुछ भी याद आ रहा था ये याद, और एफ कैट में आ गया ये क्वेश्चन. ठीक है, गुजरात इज द राइट आंसर 2022-27 के लिए सेमीकंडक्टर. अच्छा कुछ एग्जांपल दो सेमीकंडक्टर्स के. जर्मेनियम एंड सिलिकॉन. ओके चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू महतारी न्याय रथ स्कीम. ठीक है, देख लेते हैं. दिस स्कीम वॉज लॉन्च बाय द स्टेट ऑफ झारखंड. दिस इज मीन फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट वुमेन राइट्स एंड ऑन द ओकेजन ऑफ द हरेली तिहार फेस्टिवल. चीफ मिनिस्टर विल सेट ऑफ द मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ.
बताओ पढ़ा हुआ है ये स्कीम्स पढ़ाई थी एक दिन। क्या होगा आंसर? झारखंड की नहीं है। डेफिनेटली गुड। कहाँ की है? यस दिस इज ऑफ छत्तीसगढ़ नॉट ऑफ झारखंड। ठीक है ये आपको याद रखना है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज बी एंड सी। क्या होगा? बी एंड सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है चलो अब स्कीम वाले क्वेश्चन और आने वाले हैं भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्टेट एम्प्लॉय कैशलेस मेडिकल स्कीम। स्कीम का नाम देख लो पहले। दीन दयाल उपाध्याय। यार ये थोड़ा तिरछा तिरछा फोटो खिंचा मुझे। उत्तर प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट दिस स्कीम। इट प्रोवाइड्स मेडिकल बेनिफिट्स ओनली ऑन कैश पेमेंट्स। This facility is provided to 28 lakh state government employees, pensioners and their dependents. And the fourth is under this scheme, apart from state employee and pensioners, their family will get free treatment up to 10 lakhs. D sahi hai re bhai, sahi hai D. A jo hai. क्या पूछा? करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है? करेक्ट। अच्छा मुझे लगा कि इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। ए इज द राइट आंसर। ठीक है जय हिंद मनीष। ए इज ओनली द करेक्ट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट दिस स्कीम। ठीक है उत्तर प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट दिस एंड इट इज अ कैशलेस मेडिकल बेनिफिट स्कीम। ये है इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा डिजिटलाइज किया जा सके चीजों को। ठीक है और इसके अलावा इसमें 28 लाख की जगह 22 लाख है हालांकि, और यहाँ 10 लाख की जगह 5 लाख। इतना इन डेप्थ हमको जाने नहीं है। पहला कौन सा स्टेट है? यूपी। दैट्स इट। खत्म फिनिश। ओके चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्ड विद राजस्थान गवर्नमेंट टू लॉन्च फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत, ई लोक अदालत। अब ये मत कहना कि पढ़ा नहीं है। पढ़ा तो है। तो पार्टनर किसके, पार्टनरशिप किसके साथ की है ये हमें पता होना चाहिए। आंसर इज डी। क्या है आंसर? डी जुपिटर्स जस्टिस टेक्नोलॉजी। या नाम से देख के लगा सकते हो यार, ई डिजिटल लोक अदालत। लोक अदालत किस लिए होती है? जस्टिस के लिए ना, सिविल मामलों को देखती है। थोड़ा दिमाग दौड़ाया करो, कुछ तो भी उठा के तुम आंसर करने लगते हो। लोक अदालत इज फॉर जस्टिस ना। फिर चलो नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा EFIR कहाँ थी? EFIR वाली भी पढ़ी थी ना एक हमने। वो कहाँ की थी EFIR? उत्तराखंड। गुड रुद्राक्षी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ऑफ द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। देख लेते हैं। अंडर द पॉलिसी द गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ 5 इयर्स टू हैव 15% ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो रही है। ठीक है। द स्टेट हैज ऑल्सो सेट अ टारगेट ऑफ प्रोक्योरिंग 4 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर 5 इयर्स। मतलब क्या बोल रहे हैं कि भैया 4 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचेंगे अगले 5 सालों में, साथ ही साथ
15% नए रजिस्ट्रेशन होंगे यहाँ पे, ठीक है। बताओ क्या सही होगा इसमें से, आंसर करो यार, तुम लोग चुप शांत से क्यों हो जाते हो। बोथ ऑफ दीज, ठीक है, दोनों ही सही है। आपको बस याद रखना है कि ईवी पॉलिसी है किस स्टेट की, सो दिस इज ऑफ छत्तीसगढ़। किस स्टेट की है? छत्तीसगढ़ की है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब ये तुम्हारा एकदम जहर फेवरेट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग स्टेट्स। अब बताओ, अगर ये आंसर नहीं, तुमको दो भी पता है ना इसमें से, तो हाँ हाँ मजा ही आ जाएगा। और पढ़ा हुआ है ये, कुछ भी ऐसा नहीं है जो पढ़ा हुआ नहीं है, सब पढ़ा हुआ है भाई। EFIR तो अभी बोल रहे थे तुम लोग, उत्तराखंड की है। देखना EFIR कहाँ की है, उत्तराखंड की है। फैमिली डॉक्टर वाली कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है, ये तो हमने पढ़े थे। फिर स्त्री निधि भी हमने पढ़ी हुई थी, स्त्री निधि कहाँ की थी, कहाँ की थी स्त्री निधि, प्रॉपर लिखो यार, ऐसे मत लिखो। स्त्री निधि थी तेलंगाना की, और स्वनिर्भर नारी स्कीम, मैं पहले इसको मुझे याद है पढ़ा रही थी ना, तो मैं इसको बोल रही थी स्वनिर्भर, पानी भरने के लिए, ऐसा एक्सप्लेन भी किया था मैंने, पर दिस इज स्वनिर्भर नारी स्कीम, दिस इज ऑफ असम। ये सारी पढ़ाई थी बच्चों मैंने, सारी की सारी पढ़ाई थी आपको। असम की है स्वनिर्भर नारी स्कीम, तेलंगाना की है स्त्री निधि, आंध्र प्रदेश की है फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट, और उत्तराखंड की EFIR पढ़ाया था। अरे भाई मुझे याद है ना, मैंने पढ़ाया था, तूने क्लास नहीं ली होगी जिस दिन पढ़ाया होगा। और डिजिटल लोक अदालत हो गई, वो कहाँ की हो गई, वो हो गई राजस्थान की, ठीक है। चलो सो करेक्ट ऑप्शन असम चीफ मिनिस्टर दिस स्वनिर्भर, हमने स्टेट वाइज पढ़ा था ना, तब पढ़ा था ये सारा। देवगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अब ये तो तुमको याद ही है ना। काशी यात्रा, हाँ मुझे पता है ना, तुमको जो याद होते हैं ना उसमें तुमको मजा आता है बस। जय हिंद मनीष। देवगढ़ झारखंड का है, काशी यात्रा कर्नाटक की है, और ड्रोन पॉलिसी हिमाचल प्रदेश की है, सेमीकंडक्टर पॉलिसी गुजरात की है। स्टेट वाइज करंट अफेयर में इससे बाहर नहीं आना कुछ, ठीक है। इतना करंट अफेयर पढ़ लिया भाई तुमने, अप्रैल से पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो। नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था, ये हम पढ़ चुके थे अच्छे खासे। फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट आ गया भाई, जब भी पढ़ाती थी मैं तुमको बोलती थी आंध्र प्रदेश फैमिली डॉक्टर, आंध्र प्रदेश फैमिली डॉक्टर, है ना। देखो दिस स्कीम इज लॉन्च बाय द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, डेफिनेटली इट इज राइट, है ना। अंडर द स्कीम मेडिकल एंड हेल्थ पर्सनल शुड विजिट द आरोग्य श्री बेनिफिशियरीज। दूसरा, आंध्र प्रदेश हैज सिलेक्टेड पद्मनाभम मंडल इन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट टू इम्प्लीमेंट द स्कीम। तो पहला जो है कहां पर इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, पद्मनाभम मंडल हैदराबाद का। एंड द डॉक्टर विल प्रोवाइड पेशेंट सर्विस फॉर द रेसिडेंट ऑफ वार्ड फ्रॉम 9 to 9 से लेकर के 12:30 तक। बताओ आंसर, देख के बता दोगे यार तुम। देख के ही आंसर सकते हो इसका कि मैडम हैदराबाद तो अब आंध्र प्रदेश में है ही, तो डी लिख रहे हैं नालायक हो। हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है क्या? तुम्हारा दिमाग अगर इतना स्लो चलेगा ना भैया, तो स्थिति बड़ी ही गंभीर है। हैदराबाद तो आंध्र प्रदेश में नहीं है ना, तो इनकरेक्ट कौन सा हुआ, सी वाला हुआ, ठीक है।
विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट में, कहां पर है ये? विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। चलो नेक्स्ट आ जाओ। ईवी व्हीकल पॉलिसी पढ़ लिया, छत्तीसगढ़ का था, बस हो गया। विच स्टेट और यूटी अनाउंस द कंडक्ट अ गवर्नमेंट बैक शॉपिंग फेस्टिवल है? ये कौन पूछता है? शॉपिंग फेस्टिवल कौन को याद नहीं है रे भैया? हाँ बेटा, दिल्ली। प्रतीक भैया आ गए, दिल्ली, गुड। सिक्किम गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड द ब्लू ड्यूक एज इट्स ऑफिशियल बटरफ्लाई ना? ब्लू ड्यूक क्या है? स्टेट बटरफ्लाई, स्टेट इंसेक्ट, स्टेट बर्ड या फिर स्टेट एनिमल? मैं तो आंसर ही बोल चुकी। स्टेट बटरफ्लाई क्या है? स्टेट बटरफ्लाई, ये देखो, ऐसा लग रहा है ना पुराने टाइम में चलेगा, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। फिर से आ गई स्कीम्स मैच करने। दक्ष, मैं तुझे जवाब नहीं दे पाई थी, मैं करूंगी, मैं पढ़ूंगी मैसेज तेरा, फिर मैं तेरे को जवाब दूंगी, ठीक है यार। मैं आंसर कर नहीं पाती कई बार, वो क्या है ग्रुप इतने सारे हैं, लिंक विंक आती है भेजने में ना, चैट सारी नीचे चले जाती हैं। चलो अब ये तो तुमको सबको पता है यार, केरला की मेडिसब स्कीम थी, बिल्कुल। काशी यात्रा स्कीम भैया यूपी की है क्या? नहीं है ये तो, ठीक है। हिमाचल की नारी को नमन याद कर रखा है, पोषण सुधा योजना गुजरात की है, काशी यात्रा स्कीम कहाँ है मेरे भाई? काशी यात्रा स्कीम कहाँ की है? काशी यात्रा स्कीम है कर्नाटका की। ये तो हमने कितनी बार पढ़ा है, कितनी बार पढ़ा है ना? ट्राई करती हूँ प्रतीक, मैं प्रियंका भी बोल रही है कल नहीं तो परसों सुबह, ठीक है ना? परसों रात में कुछ नहीं पढ़ेंगे, कल सुबह पढ़ेंगे, मतलब कल सुबह नहीं परसों सुबह। कल तो इसी सेम टाइम पे क्लास रहेगी, कल क्लास सेम टाइम पे है तो क्या हुआ, ठीक है। चल निशान यार, तेरे को इतनी पंचायत क्यों है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। चूज अ करेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू फ्रूट सॉफ्टवेयर। अब तो खैर देख लिया होगा तुमने। इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय हरियाणा गवर्नमेंट एंड इट विल फैसिलिटेट सिंगल रजिस्ट्रेशन यूजिंग एन आधार कार्ड। तो भैया फ्रूट सॉफ्टवेयर जो है, फ्रूट सॉफ्टवेयर, दिस इज ऑफ कर्नाटका ना कि हरियाणा का, ठीक है, देख लो उसको। द कर्नाटका गवर्नमेंट हैज लॉन्च द फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या फुल फॉर्म है इसका? हाँ तेजू मुझे याद दिला देना, कुछ कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं आपके इकोनॉमिक्स के, कर लेंगे डिस्कस। द फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। लो आ गई आपकी फिर से। संत कबीर एकेडमी, फेसलेस आरटीओ, ई स्टैंपिंग फैसिलिटी एंड सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट, बताओ। संत कबीर एकेडमी में क्या हुआ था छोटू? कुछ तो वहां पे वो खोली थी ना, पढ़ा था ये तो हमने, यूपी था आंसर, ये तो पढ़ा था किसका आंसर, यूपी था। रामनाथ कोविंद जी ने इनॉग्रेट किया, हाँ हाँ ठीक है। और फेसलेस आरटीओ वाला भी पढ़ाया जहां तक मेरे को याद आ रहा है,
ई स्टैंपिंग फैसिलिटी भी पढ़ी है, सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, मे भी तुम लोगों को याद है। तो देखना इसके जो ऑप्शंस होंगे, दैट इज सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट इज ऑफ केरला, ठीक है, और ई स्टैंपिंग फैसिलिटी इज ऑफ पंजाब, संत कबीर इज ऑफ अकेडमी इज ऑफ यूपी, एंड फेसलेस आरटीओ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का फेसलेस आरटीओ था ये, मैंने पढ़ाया था, बाकी ये दो मुझे याद नहीं आ रहे, हो सकता तुमको याद हो, ठीक है, ये देख लो ऑर्डर्स का। ठीक, चलो आ जाओ। इट वुड रिड्यूस, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पंजाब बजट, पंजाब के बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। पंजाब फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा प्रेजेंटेड द बजट फॉर दिस एंड द गवर्नमेंट प्रपोज टू स्टार्ट अ पंजाब यंग एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम, बताओ आंसर क्या होगा। क्या पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा हैं? तो बिल्कुल हैं, और यहाँ पर पंजाब यंग एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम की भी बात की गई, दोनों ऑप्शंस जो हैं आपके सही है, ठीक है। चलो, गुजरात होस्टेड द नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस दिस ईयर एंड वी हैव डिस्कस दिस, ठीक है, आगे आ जाओ। विच स्टेट हैज टॉप द स्मॉल अमंग द स्मॉल स्टेट इन फोर्थ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, स्मॉल कैटेगरी में जीता है गोवा, है ना, और ओवरऑल देखो लार्ज स्टेट, यहां पर तुम वो उड़ीसा मत लगा देना बेटा, वो फूड सिक्योरिटी एक्ट का इंप्लीमेंटेशन है छोटू, मुझे पता था तुम यही गलती करोगे, इंडेक्स नहीं था, वो फूड सिक्योरिटी और फूड सेफ्टी एक्ट जो था उसके इंप्लीमेंटेशन में टॉप किया था उड़ीसा ने, एंड दिस थिंग इज डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पर लार्ज कैटेगरी के स्टेट्स में तमिलनाडु ने, ये बहुत पहले ये मैंने कराया था क्वेश्चन, बहुत पहले तमिलनाडु ने टॉप किया है, सेकंड इज गुजरात, और स्मॉल स्टेट्स में गोवा, और यूटीज में क्या है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, उड़ीसा नहीं है, गलत याद मत करना बेटा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू इशू डैश टू एवरी फैमिली, मेट्रो कार्ड, फैमिली कार्ड, राशन कार्ड और एम्प्लॉयमेंट कार्ड, बताओ आंसर। राशन कार्ड तो ऑलरेडी है यार, आंसर इज बी, फैमिली कार्ड, ठीक है, क्या होगा, फैमिली कार्ड। चलो फिर से आ गई स्कीम, लाडली लक्ष्मी स्कीम, तो कोई भी आंख बंद करके बता देगा भैया कहाँ की है, मध्य प्रदेश की है। अब देख लो बी का थर्ड कहां पर है, बी का थर्ड एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ना, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ये क्वेश्चन तो यूं ही सॉल्व हो जाता है, ठीक। देख लो ई अडिगम स्कीम हरियाणा की है, लाली लक्ष्मी एमपी, जिवाला महाराष्ट्र की है, मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ की है, ये दो शुरुआत की हमने पढ़ी हुई है, ठीक है, आ जाओ। चलो अगेन दिस इज गोना बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ई अधिगम लैपटॉप के लिए थी, पढ़ा था हमने, है ना। देखो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो है ये कहां पर है, राजस्थान में, और अभी दो दिन पहले ही मैंने बताया है, एंड इट इज नाउ द 52nd टाइगर रिजर्व,
एंड दिस इज अ बफर बिटवीन रणथंभौर और सरिस्का. क्या है? सरिस्का और रणथंभौर जो है उनके बीच का बफर है ये. ऐसा है क्या? और 53rd कौन सी है? गुरु घासीदास ऑफ छत्तीसगढ़. सो बोथ ऑफ दीज ऑप्शंस आर करेक्ट. चेक, दोनों ही क्या है? सही है. नेक्स्ट आ जाओ. दिल्ली इंडक्टेड 2 रोबोट्स इनटू द सिटीज फायर फाइटिंग फ्लीट. बिल्कुल. महाराष्ट्र टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट स्टेट ओटीटी प्लेटफॉर्म. नहीं, ये तो हमें एकदम ऐसे जहर याद हो रखा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म और इंटरनेट अपना खुद का लॉन्च करने वाला कौन सा स्टेट है भैया? पहला केरला है ना. छत्तीसगढ़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू रिस्टोर ओल्ड पेंशन स्कीम एंड असम टू प्रोवाइड माइनॉरिटी सर्टिफिकेट. सो बी इज रॉन्ग बिकॉज ओटीटी प्लेटफॉर्म इज ऑफ केरला, इंटरनेट इज ऑफ केरला, सबसे ज्यादा असेंबली सेशन इज ऑफ केरला, और स्टार्टअप इकोसिस्टम में टॉप किया है केरला ने, टाइम मैगजीन में आया है केरला. केरला ही केरला भरा पड़ा है हर जगह. हरियाणा गवर्नमेंट हैज लॉन्च, जाने दो उसमें पैसे वैसे पूछे तुमसे वैसे पूछेंगे नहीं. दिल्ली कस्टम्स हैज लॉन्च प्रोजेक्ट निगाह. निगाह किसके लिए है बताओ? स्मगलर्स के लिए, कंटेनर्स के लिए, मिसिंग चिल्ड्रंस के लिए, या फिर टेररिस्ट के लिए? जय हिंद रितेश, बड़ी ही देरी में आया बेटा तू. निगाह इज एन इनिशिएटिव टू ट्रैक कंटेनर्स बाय यूजिंग ICTM. ठीक है. लोक मिलनी लॉन्च बाय पंजाब गवर्नमेंट एंड इट एम्स टू प्रोवाइड अ सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म फॉर ऑल दी फॉर द रिड्रेसल ऑफ ऑल दी ग्रेवियंसेस. सभी परेशानियों के लिए एक खिड़की. और यह है कहाँ की? पंजाब की. और ये हम पढ़ चुके हैं लोक मिलनी, तो कितनी बार पढ़ा है. लाइक करो यार, 100 तो कंप्लीट करो एटलीस्ट. कैसे कर रहे हो तुम? कैसे ही नहीं कर रहे, कर ही नहीं रहे लाइक. दोनों सही है. ठीक है, दोनों सही है. इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय दिस. अच्छा हाँ, ये भी यहाँ पे एक इनकरेक्ट वन आया है. It has been launched by Punjab Governor Banwari Lal Purohit. So no, it has been launched by the Chief Minister Bhagwant Mann. ठीक है, आ जाओ. मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना. क्या यार, ये तो कितना पहले पढ़ा था हमने. Under the scheme, the Andhra Pradesh government will provide free sewer connection to 25,000 households. And the free sewer connection will be provided by the state government in 10 colonies. Batao. Vietnam festival held in Delhi. And this will be the last question of today's video. Theek hai? Batao. Kya hoga answer? Haan Gaurav. Kar diya bus, train, truck, tractor, gaadi, auto. So answer none of these. Dekho. सीवर कनेक्शन योजना आंध्र प्रदेश की नहीं थी, मैंने आपको पढ़ाया था, ये दिल्ली की थी. ठीक है, अंडर द मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना द दिल्ली गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फ्री सीवर कनेक्शन टू 25,000 हाउसहोल्ड्स इन ईस्ट दिल्ली. ठीक है, और 12 कॉलोनीज जो है इसमें नोटिफाई की गई है. सो बस कल और हमारी करंट की क्लास रहेगी, जो जो इम्पोर्टेंट है वो हम कल भी डिस्कस कर लेंगे. इसके अलावा पीडीएफ अभी के अभी भेज रही हूँ मैं टेलीग्राम पे, बिल्कुल अभी हाल पीडीएफ उड़ता हुआ तुम्हारे पास लैंड करेगा. ठीक है, और कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो बताओ, और फिर आज के आनंद की जय बोल के और समापन करेंगे. ठीक, नया कब से चालू होगा? पेपर के बाद. ठीक है, हाँ टीचर्स डे
एंड देयर इज अ सरप्राइज की अब वो 5 तारीख को बताऊं. चल बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद. पैसे बोल के क्या करूंगी, पैसे मिलना चाहिए यार, पैसे पैसे बोलने से क्या होता है यार छोटू. चलो बाय बाय.